हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सबने तो शरबत तो पिया ही होगा। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ये शरबत आपको इतनी टेस्टी लगेगी ना, आप इसे हर एक रमजान में जरूर बना के पियेंगे। ये रेसिपी रमजान स्पेशल रेसिपी है। ये शरबत जो कि बहुत ही मजेदार है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है और काफी हेल्दी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं मजेदार रेसिपी को। शरबत बनाने के लिए हम दूध को उबाल लेंगे और मैंने यहाँ 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है और मैंने यहाँ एकदम फ्रेश दूध लिया है। आपके घर में जो भी है आप उसे बना सकते हैं। दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसमें डाल देंगे कस्टर्ड पाउडर। पाउडर को मैंने दूध में मिक्स कर लिया है, हम इसे डालकर मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें चीनी डाल देंगे। मैंने यहाँ चीनी 1 कप इस्तेमाल किया है, आप चीनी को टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे भी डाल सकते हैं। फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हम दूध को ठंडा कर लेंगे। ये हमारा दूध ठंडा हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ तरबूज। मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी रेसिपी बन के रेडी है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने से पहले अगर आप अभी पीना चाहते हैं तो बर्फ आप अभी डालें। अगर आपने पहले से ही बर्फ डाल के रख दिया तो इसका टेक्सचर एकदम ही ज्यादा फीका हो जाएगा और गाढ़ा नहीं रहेगा। आपको जब भी पीना है तभी आप बर्फ डालिए। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ दोनों ग्लास में बर्फ डाल दिया है, अब हम इसे डाल देंगे। ये रेसिपी बन के रेडी है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।